हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स बता दें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट, दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, दो खिलाड़ी हुए बाहर। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज नवदीप सैनी 22 दिसंबर से ढाका में शुरू होने वाली बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। बोर्ड की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, रोहित शर्मा अपने बाएं अंगूठे की चोट के बाद बीसीसीआई मेडिकल टीम की देखरेख में है, जो उन्हें ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी थी। मेडिकल टीम का मानना है कि चोट को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और समय चाहिए। वो रिहैब में रहेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप ही वॉच करें। वही फ्रेंड्स बता दें कि नवदीप सैनी भी टीम से बाहर हैं। इसमें आगे कहा गया कि नवदीप सैनी पेट की मांसपेशियां में खिंचाव के कारण दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज अब अपनी चोट से सही करने के लिए एनसीए जाएंगे। भारत के कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दूसरे मैच में लगने वाली उंगली की चोट के कारण चूक गए और चिटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में जगह नहीं बना सके थे। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि कई खिलाड़ी हैं चोटिल। रोहित शर्मा के ढाका की यात्रा नहीं करने के कारण उपकप्तान केएल राहुल सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट में उनकी अनुपस्थिति टीम में का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, जिसमें भारत एक से आगे है। केवल रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि कई अन्य क्रिकेटर भी थे जो समय से उभरने में नाकाम रहे और दोनों टेस्ट से बाहर हो गए हैं। लिस्ट में जसप्रीत बुमराह पीठ की वजह से चोटिल हैं। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि मोहम्मद शमी कंधे में चोट लगी और रविंद्र जडेजा घुटने जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि 22 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में अब केएल राहुल ही कप्तानी करेंगे। वैसे दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में बदलाव मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाज और बल्लेबाज का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।